हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद तो यही है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एनिवर्सरी पार्टी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं, बस अपने घर के बहुत ही पास में, यानी कि बस एक दो घर छोड़ के ही, ज़्यादा दूर नहीं, बस वहीं जा रही हूँ। उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। मैंने बस एक ड्रेस डाला है कॉटन का, ज़्यादा हैवी तो नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि भारी भारी कपड़े पहनने में भी बहुत गुस्सा सी आती है। तो बस मैं बाल काट ली और मेकअप भी कर ली, तो मैं अभी चलती हूँ अपने पड़ोस में एनिवर्सरी पार्टी इंजॉय करने, और आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। छोटी सी पार्टी घर में ही रखी हुई है आंटी जी ने, मेरे पड़ोस की जो आंटी जी हैं उनकी बेटी है, तो उनकी ये फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो ससुराल से उनको बुलाया है कि इन लोगों को घर पे नहीं आने दिया था, सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी ना आंटी जी ने, इसके लिए घर पे नहीं आए थे, पड़ोस के घर में इन दोनों लोगों को रखा था एक दो घंटे तक। कम से कम मुझे आइडिया नहीं कब आए थे, शायद एक दो घंटे ही हुए होंगे। मुंबई तो इतनी बड़ी है कि हम लोग अपनी लड़की की शादी अगर लोकल में भी करते हैं ना, तो भी आने में 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। तो इनकी ससुराल भी लंबी है, कम से कम इनको भी 4-5 घंटे से कम नहीं लगेंगे अगर खुद की गाड़ी से आएंगे तो, और ट्रेन से आएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इनको भी आने में टाइम लगा है, पहले से ही फ़ोन करके बोल दिया था, तो इन लोगों ने स्पेशल टाइम निकाला आने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी एनिवर्सरी ससुराल में भी इंजॉय की, इसके बाद मायके में भी, तो दोनों जगह इंजॉय की, ताकि दोनों लोगों का दिल ना टूटे, ससुराल वालों का भी नहीं, मायके वालों का भी नहीं। तो लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि दोनों तरफ को लेके चलती हैं, अपने माँ बाप का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती हैं और ससुराल वालों का भी नहीं, तो दोनों तरफ मैनेज किया है, वहाँ भी केक काटी, यहाँ भी। भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और इसके पहले भी मैंने जो ब्लॉग अपलोड किया था वो मेरे पतिदेव के जन्मदिन का था, तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ पार्टी मनाने गए थे। और इसके पहले जो शायद अपलोड किया था वो मदर्स डे का था, जो मैंने आंटी के घर पे ही सेलिब्रेट किया था, तभी भी बहुत मज़ा आया था। तो 2-3 हफ्ते से ना कंटिन्यू हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग
भी आशीर्वाद दीजिए इन्हें कि इनकी ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, और इन्हें हर बुरी नज़र से भगवान बचाए। जब मायके में मम्मी पापा सरप्राइज़ देते हैं बेटी को, तो बेटी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। मायके में तो सरप्राइज़ मिले या नहीं मिले, मायका एक ऐसी चीज़ है कि बेटियों की जान आ जाती है वहाँ आके, और अगर सरप्राइज़ मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो मैं प्रियंका की खुशी महसूस कर सकती हूँ कि प्रियंका को कितना खुशी मिल रही होगी, कितना अच्छा लग रहा है। वो तो प्रियंका के फेस से ही दिख रहा है कि प्रियंका बहुत खुश है। भगवान करे हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो तुम दोनों। तो चलो केक काटते हैं और आप लोग भी इंजॉय करो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी। और इस डेकोरेशन का सारा सिरे बच्चों को जाता है। इसमें सबसे पहले अभय हैं और प्यार से गोलू भी बोलते हैं, तो सबसे मेन ये है, इसने ही पूरा मैनेज किया है, सपोर्ट बच्चों ने किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी डेकोरेशन भी ये लोग मिलके कर सकते हैं। डेकोरेशन क्या, कोई भी काम हम लोग जब करते हैं और सब लोग तारीफ करने लगे तो खुशी डबल हो जाती है। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने सच में डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी, सारे लोगों ने तारीफ भी की उनकी। तो चलो अब करते हैं डांस। और जी आंटी जी के घर पे ही डॉगी है, वाइट वाइट, बहुत ही क्यूट है। दो थे, एक ख़त्म हो गया। जब एक ख़त्म हुआ था ना तो ये बेचारा बहुत रो रहा था, सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। जोड़ी थी दोनों की, अब तो मैं टच करने लगी हूँ इन लोगों को। पहले जब मैं आती थी ना मुझे बहुत डर लगता था, जैसे ही एंट्री हुई ना मेरी गेट पर तुरंत भौंकने लगते थे, तो मैं वापस चली जाती थी, मैं घर पर ज़्यादा आती नहीं थी। लेकिन अब जानने लगे हैं, ये भी पहचानते हैं कि अपना पराया कौन है, तो ये लोग भी जानने लगे तो अब नहीं भौंकते हैं। तो चलो खा लेते हैं अब सब लोग खाना, और इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड भी कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये यहाँ पर छोले बने हैं, रायता, पूरी, और यहाँ पे खीर बना हुआ है, मतलब दलिया टाइप खीर, चावल है, और ये यहाँ पर दाल बना हुआ है।